ई का कहलू, अच्छा भला लोगन के मोहल्ला में तमाशा बना के रख देलू। तू आज भी उहे के उहे बाड़ू। लोग सही कहलन कि चाल वालन के चाल से बाहर तो निकालल जा सकेला, लेकिन उनका अंदर से चाल ना निकालल जा सकेला। ई तू का अच्छा काम कहलू, क्योंकि घर में आग लगा देलू और लोग तमाशा देखा ताड़न। तू देख लिया, एक दिन यही आग तोहरो घर में लगी और बाहर के लोग तमाशा देखियन। एक नंबर के बदतमीज और बेशरम औरत हो। आपन बेटी ना होगी ना तो दूसरन के बेटी के इज्जत ना। माधवी जी आप काहे रो रहल बाड़ू, आपके तो खुश होके के चाहिए कि ऐसन घटिया खानदान में आपके बेटी ब्याह से बच गई। वो आकाश वो तो एक नंबर के गुंडा है। मन तो करत रहल कि वो बदतमीज पूरा मोहल्ला में तमाशा कर देलस। अरे जितना मुंह उतनी बात बनी। सब रिश्तेदारन के फोन आई कि भाई रिश्ता काहे टूट गई। लोगन के तब मजा आवेला ना जखम पे नमक छिड़के में। हमें डीएनए टेस्ट जरूर करवाई। का बोल रहा बड़ तू? हाँ तोहर दिमाग खराब हो गई बका। वो तोहर बहन पे उंगली उठा के गई बड़े, इतना बड़ा इल्जाम लगा के गई है और तू अगर बात मान रहा बड़ा। रचना क्या और बेइज्जती करवाई बा तू वो लोगन खातिर? वो लोगन खातिर ना करवाई डीएनए टेस्ट, हम ये खुद खातिर करवाई। हम के सबूत चाहिए, वो लोग के सबूत देके जवाब दे। अब केहू के ना छोड़ब। रज्जो लड़का पे भरोसा के बेवकूफी जरूर कैलस, लेकिन हम अपन बहन के बेइज्जती करे के इजाजत केहू के ना देब। भुला जा शादी वादी, भुला जा समझल समझावल। वो हमार बहन के बेइज्जती कैले, हमार घर के इज्जत उछल ले। अब हम उनकर इज्जत उछालब। वो लोग के सबूत चाहिए तो सबूत भी देहब और मुंह तोड़ जवाब भी देहब। जितना दर्द तू हमार रज्जू के दहले बढ़े ओकरा से 100 गुना ज्यादा वो लोग के तकलीफ दे। जौन गली में उनकर बड़ गाड़ी भी ना घुस सकेले, वही गली के ईंट से उनकर महल के ईंट से ईंट बजाएब। कहाँ गए लो फाइल? कहाँ गए लो फाइल? पढ़ ले गल का फाइल के 4 घंटा से खोजा था। सर आपके सारा फाइल बुलबुल ही अरेंज करके रखे ले। कॉल करके पूछा ओकरा से, लड़की की वजह से हमारा पूरा ऑफिस डिस्टर्ब हो गया बा। एक सेकंड। कितनी बार फोन करबू आप? बुलबुल लुथरन लुथरा के फाइल नहीं मिले पूरा सर के। सर मत बोलिए ओकरा के, कचरा के डब्बा हो कचरा के डब्बा। का बोल रहल भैया? कुछ ना सर। बताओ हमरा के का बोल रहल भैया? सर हम बता नहीं की सकत सर। एक्चुअली यू नो व्हाट, कचरा के डब्बा भी इतना सरल ना रहेला ना जितना सरल तोहर बॉस है। वो हमके चोर बोलल हमके। स्पीकर पर लगावा सर, स्पीकर पर लगावा। मिस्टर पूरब खन्ना के जाके बोल दा कि ओकरे दिमाग में ना गोबर भरल बा गोबर। ओसे ज्यादा चीपर, ओसे ज्यादा हाफ माइंडेड और ओसे ज्यादा घटिया आदमी लालटेन लेके भी ढूंढबा ना तब वो ना मिले वाला बा। आपकी बॉस ना काली बिल्ली है, काली बिल्ली। आई मीन जे भी ओकर शक्ल देखे ना ओकर बेड़ा कर। जब हम ओके पहली बार देख ले रहनी ना तब भी हमके पता चल जाए के चाहत रहल कितना वाहियात किस्म के आदमी है। लड़की के गाली देत रहल यार, पता ना कौन सा बकवास तारा टूटत रहल कि हम एकर शक्ल देख लेनी। थैंक गॉड अब हम ये ऑफिस में काम ना करेंगे। इनफैक्ट हम तो कहेली कि आप भी जॉब छोड़ दो। वैसे एक बात बताई, तोहरे सरल बॉस की गाली देके हमके कितना अच्छा फील हो रहा है। यू कांट इमेजिन यार। और अब ना आप प्लीज फोन रखना तो 2-4 बात आपकी भी सुना दे, समझ ला। एको बात बतावा, का लगा था तोहरा के? काम के इंक्वायरी करे के चाहत रहे कि ऑफिस के फाइल के चोरी कैलस? सर नॉर्मली हम लोग छोट कंपनी में ऐसे काम करेला, छोट ऑफिस होखेला और बॉस के दिल बड़ा होखेला, बॉस से बात करे के मौका मिलेला, ऑफिस में काम करे वालन के जान सकेले और जहाँ तक हम बुलबुल के जाने ले वो ऐसा लेकिन ना है जैसा कि आप समझ रहे बानी। सर आई एम वेरी सॉरी, इतना बोल दे नहीं, प्लीज हमारे जॉब मत ले ले। अब ना ले जॉब, हम कोनो पागल बानी का? पूरब तो बुलबुल से ना खुद से नाराज पड़ा। खुद से कहे नाराज हो बांटी,
गुस्सा तो वो दिलावेले, हर बात पर इरिटेट करेले, जौन दिल में आवेला सोचेले, वो लड़की ना? वो लड़की बहुत अच्छी है, और ये तू भी बहुत अच्छा तरह से जानेला, लेकिन एडमिट ना करे चाहेला, यही लिए खुद से गुस्सा होवेला, जब वो तोहरे सामने आवेले, तो बिल्कुल बदल जाला, कबो ओके एक टक देखत रहेला, कबो ऐसे ही मुस्कुरा देला, शी हैज अ इफेक्ट ऑन यू, अभी अभी देखला तू ओकरा के ऑफिस से तो निकाल देले बाड़ा, अपने दिमाग से ना निकाल पाईले बाड़ा। She is different. और जी दूसरन से अलग होवेला, ओके अपने से अलग ना करे के चाही। Get her back. Please get her back. अरे दादी आप फिर से वो बदबू वाला तेल लगा रहल बानी ना? अरे चुप रह। हर दिन पता ना का बाल में लगावत रहेला, स्प्रे जेल कंडीशनर तेल ना लगाई बना तो गिर जाई है सब बाल। अरे दादी आपके तेल के स्मेल से बाल गिर जाई, ये देखी। चुप रह। ये तेल असली जड़ी बूटी से बनल बा, तोरे प्रोडक्ट की तरह नकली ना जेकर तू ऐड करत फिरेला। अरे दादी अगर ये तरह चंपी चलत रहे ना तो बहुत जोर से नींद आ जाये। अच्छा बाना सूत जा। अरे दादी सूते के टाइम के पास बा, दिन भर इवेंट्स रिबन कटिंग एड शूट और शाम के कॉन्सर्ट्स। ये लिए हम कहत बानी कि तू जल्दी से कोनो लड़की से शादी करला, लेकिन तू हमार बात सुने ही लाना। अरे दादी तू मैरिज ब्यूरो खातिर काहे ना काम कर ले वेलू, केहू के भी कन्विंस कर ले वेलू शादी खातिर, सीरियसली। तोहरे अलावा एक तरफ तू बाड़ा की शादी के प्रॉब्लम समझ के उसे दूर भागेला, और एक आकाश सर पे शादी आल बा और इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हाँ दादी आकाश सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देले बा। अगर वो बच्चा वाकई आकाश के है ना तो हम आकाश के ओकरे जिम्मेदारी से भागे न देव। दादी आप फिक्र मत करी, होकी उहे जैसन आप चाहब, I promise you। देख अब तू तेल लगावा, तोहरा के हमरा गोद में नींद आ रहल बा ना, काहे कि तू हमरे गोद में अपनापन महसूस करेला। वक्त चाहे अच्छा होखे चाहे बुरा, आदमी चैन के नींद तभी सुत पावेला जब ओकरा के ई पता होखे कि ओकर केहू आपन हमेशा ओकरे साथ था। तू काहे इतनी चिंता कर रहल बाड़ो, हम सब तोरे साथे बानी ना, बहुत देर हो गल बा सोचा। जौन तरह हर मुश्किल में तू हमरे पीछे दीवार बन के खड़ा हो जाला ना, वही तरह हम भी तो हर साथ कबो ना छोड़ब, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपन प्यार के अपन दोस्ती के बीच कबो ना आवे दे, हमेशा तोहरे पीछे खड़ी रह, हमेशा तोहर साथ दे। हम चलता नहीं। अरे बेटा एक मिनट रुक जा, हमके आप लोगन के एगो गुड न्यूज देवे के बा। हम रचना के घर गईल रहनी आकाश के रिश्ता लेके। का? हाँ माँ जी आप ये चाहत रहनी ना? माँ जी बाकी सब तो ठीक बा, पर ऊ लेकी रचना के आकाश से पहले भी ना तीन चार बॉयफ्रेंड रह चुकल बाड़े। ई तो ऊ लोग भी मान लेहलन कि रचना के बहुत सब लड़का दोस्त बाड़े। अब ई तो पता होके के चाही ना कि ई बच्चा आकाश के बाड़े भी कि ना। ऊ दिन ना हम ओवर रिएक्ट कर गईल रहनी, पर आप बिल्कुल चिंता मत करी, ई घर में आप जे चाहब बस ऊ है होखी। अगर आप कही है कि आकाश रचना से शादी करला तो ऊ रचना से ही शादी करी, फिर चाहे वो बच्चा आकाश के होवे ना होवे। हेलो, हाँ बोला पूरब। ना 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 ना, उसे बोल दिया कि 40 लाख रुपया से एको पैसा कम ना ले। यार वो लोग कहा था 3 शॉट बा, 1 घंटा में हो जाए। अरे वो 1 घंटा के काम के 1 साल तक नहीं छोड़िए ना, उनसे कहिए आधा घंटा में 3 शॉट दे, दैट टू विदाउट द रीटेक, लेकिन ले पूरा 40 लाख फुल एंड फाइनल। हाँ चलो ठीक बा, हम बोल देता नहीं। ओके उनसे कहिए कि हम अभी उनका पास आ रहा है। आई नेवर सी नो टू अ मनी बॉडी।
Hey mom, hey dad, good night, love you. Good night. तू अंदर आव। अरे और ये का भाई? जब देखा तब ई पियत रहेला। This is protein shake, you know? एकरा से मसल बने ले, एकदम भाई की तरह बनाए, भाई की तरह। अच्छा, भाई की तरह? तोहरा के पता बा, भाई ई मसल्स की का करेला? का करेला? एक एक घंटा के 40 लाख बनावेला। वाह। रख एकरा के इधर, जब देखा तब ये पियत रहेला। डैड का करल बड़ो पम्मी जी? आप तो बस चुपे रहा। अब देहले का बड़ा हमके आज तक की दूगो घोड़ा जैसन लड़का, इंटर गधा जैसन अकल बा, और ऊ बड़का लड़का ऐसा निकम्मा बा कि इतनी छोट सी नौकरी भी इतना मुश्किल से कर रहल बा। हम सोचले रहनी पूरब के जगह ले ले, पर नहीं खे ऊ तक करी ना पैलसु, और ई निकम्मा ई तक कभी भी मुंह मारत फिरेला। मॉम नॉट अगेन। तू हमार बात कान खोल के सुन ला। अगर तू स्वीकृति जायसवाल से शादी ना कैला ना, तो देख हमके स्वीकृति के बाप के पैसा चाहिए बस। अरे पैसा 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 करत रहलो, पैसा तोरा से खर्च कैल ना जाला, कंजूस एक नंबर के बाबू। हमके सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा खातिर हम कुछ भी कर सके नहीं। तू कहां जा रहल बड़ा? फोन निकाल और रचना के फोन लगावा, डेट पर बुलावा ओकरा के। का? बाकी सब हम देख ले। माँ आप नाश्ता बना ला, हम लोग दूध लेके अभी आवतानी। पता नहीं दूध वाला रोज छुट्टी काहे करेला। बुलबुल तू आजकल ऑफिस काहे ना जा रहल बड़ू? छुट्टी ले ले बड़ू का। तू कॉलेज काहे ना जा रहल बड़ू आजकल? जीजू के सपोर्ट करे खातिर। हाँ प्लीज टॉपिक मत बदला, दी चलना गुरुद्वारा चलल जाए। बुलबुल कुछ गड़बड़ है ना, कौन प्रॉब्लम भेल बा ऑफिस में? छोड़ देनी हम नौकरी। छोड़ देलू मतलब? छोड़नी ना, एक्चुअली वो लीटर बॉस हमके निकाल देल। तू जाने लू काहे? ओकरा के लागल कि ओकर ऑफिस के कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुरा ली हो। बुलबुल इतनी बड़ी बात हो गई तोरा के बतावे के चाहिए ना। दी कब बतौती हम तोरा के, टाइम ही कहाँ रहल, और घर में इतना सब प्रॉब्लम चल रहल भी है, और तू भी तो कितना परेशान रहलो। लेकिन वो पूरब के ना छोड़ब ना हम, मौका मिलते ही ना ऐसा सबक सिखत की देखिए। तू हमके पूरी बात बतावा का भइल? दी बुलबुल ऊप तो हर बॉस तोरे पे चोरी के इल्जाम लगाई और तू तो कुछ ना करबू, इस सही ना है बुलबुल। देखा बुलबुल नौकरी जात बात जाए यार, लेकिन लेकिन ये तोरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ये तोरे इज्जत की बात है, तोरा के चुप ना बैठे के चाहिए। तू तो सुरेश की देखा रचना के इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल रहल बा, हम अपने हक खातिर ना लड़ सकीले। जौन गलती तू तो कैले ना बाड़ू ना, ओकर सजा तू तो बिल्कुल ना भुगतबू। दी यू नो व्हाट, यू आर राइट। ओ पूरा हमके समझ ले काबा। हां आई मीन जौन भी बोली हम चुपचाप साले, नो वे। तू देखिया हम उनके प्रूफ करके दिखाए कि उनके गलत समझ के ना कितना बड़ा गलती कर ले बा लीचर कह के। आई मीन आई विल प्रूव हिम। यार पूरा भी कौन शॉर्टकट से ले जा रहा है, जहाँ रास्ता कम खड्डा ज्यादा बा। भाई यहाँ से जाइए तो 10 मिनट में पहुंच जाइए स्टूडियो। अब तो ही बताओ ट्रैफिक सिग्नल प्रेफर करबा कि सड़क के गड्ढा? गड्ढा चली टाइम इज मनी, और वैसे भी बहुत लेट हो चुकल बानी। अंधा तोरा के दिखाई नहीं के देत का? छोड़। अरे दी अमीरो हमने के समझ ले का बड़े? हां जब देखा हमने के पीछे पड़ जाले, उताई जी रचना के ऊपर चिल्ला के गली, वो पूरा हमके चोर बोल के गई, अरे अंधा तोरा पे कीचड़ उड़ा के चल गई। भाई छोड़ा ना, पता नहीं कैसन मोहल्ला बा, कैसन लोग होखी है यहां। एंड ब्रो यू आर स्टार, का लोगन के मुंह लगबा ज्यादा वैसे लेट हो रहल बा। यार पूरा लोग हमरा पे अपन दिल उछाले ले, आज पहला बार केहू पत्थर उछाल ले बा। तू शांत हो जा एक मिनट, हम देख क्या बतानी। तू एजे रुका, हम तोरे खातिर पानी लेके आवा तनी। सड़क के बीच में चले के शौक बता रखे, दिखा नहीं का कितना गड्ढा सड़क पे, साइड से ना चल सके लूगा। देखिए हमारे कोनो गलती ना रहा, आपकी गलती की वजह से हमारी हालत भइल। हमार गलती है? ये गड्ढा का हम खुद ले बानी, एमे कीचड़ का हम भर ले बानी। अरे गलती तो आपके बा, आपकी हिम्मत कैसे भइल हमारी गाड़ी पे पत्थर मारे के? अभी के लगत होके कि पत्थरू लेके मरले होके,
लेकिन हम जानत नहीं पत्थर तू ही मर ले खुबू बुलबुल। गॉड, ये लेकी कितना अग्रेसिव कहे बनोली यार आप। देखा हम कोनो पत्थर वत्थर ना फेंकनी आपकी गाड़ी पे। अरे एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तू जैसन लोग बड़ी गाड़ी ना रखे लेना, ये खातिर अपन सारा फ्रस्ट्रेशन ही बड़ी गाड़ी पे निकाले ले। और हमके गाड़ी से उतर देख ले ले, वही से लॉटरी लग गई होगी तो है ना। खड़ा बनी तरह से अब करा रिएक्ट। का रिएक्ट करी अभी? का रिएक्ट करी अभी? अभी पता अभी हम अभी पता है वो भी। ओ गॉड, ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? तू 1% में से बड़ो ना जी अभी के फैन नहीं के। जे भरल जवानी में बूढ़ा हो जाले कहे कि अभी के ना सुन ले। तू हमके ना जाने लो ना, ऐसे तू हमरा गाड़ी पे पत्थर मारे की हिम्मत कई लो। अरे हमार गाड़ी के किस करे खातिर ना लड़की लोग मरे ली। हमार एक फोटोग्राफ एक ऑटोग्राफ खातिर लड़की लोग हमार गाड़ी के पीछे भागे ली। आई एम द बिगेस्ट रॉक स्टार इन दिस कंट्री। हम शूट खातिर लेट होता नहीं हो तू। अगर हमार काम के नुकसान भेल ना, हम तोरा के पाताल से भी ढूंढ के लाए। आई विल टीच यू अ लेसन। तू जाने लो हमार कितना के कॉन्ट्रैक्ट बा 40 लाख रुपया के, 1 घंटा के 40 लाख रुपया। 40 लाख रुपया देख ले बाबू ना? देख ले पानी और देखबो भी ना। तू हमार 10 मिनट बर्बाद कर दे लो। हमार 10 मिनट की कीमत जाने लो तू? 4 लाख रुपया। और इतना इरिटेट कर दे ले बाबू ना तू, ये सेट पे पहुंचे के बाद 15 मिनट हमारा की लगी काम डाउन करे में, और 15 मिनट के 6 लाख रुपया। अगर हम गाड़ी ना रुकती ना तो ये नुकसान। हमने कह ले रहनी आपकी गाड़ी रोके खातिर, और कीचड़ आपके गाड़ी से उछलल बा हमने फेस पे, और हम करे पत्थर ना फेंकनी आपकी गाड़ी पे। उता आप गाड़ी रोक ले तो हम सोचनी आप हमसे माफी मांगे आ रहे बड़े। माफी हम मांगी? अरे सड़क के बीच में तो आप चल रहे बानी, माफी हम मांगी? तू जैसे लोग ना, हम जैसे लोग सड़क पे ध्यान दे के चले ले, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह हमार नजर हो ले, लापरवाही आपके जैसे लोग करे ले। कब रेलवे स्टेशन गए बड़े आप? हम लोग लोकल ट्रेन में सफर करी ले, लेकिन जब सड़क पे आई ले ना, आपकी बड़ी गाड़ियन के वजह से हमनी के सड़क के किनारे दुबक के चल के पड़ेला। लेकिन कौनो शिकायत ना करी ले ना। और आपके जैसे लोग बड़ी गाड़ी में आवेले, जहाँ तेज म्यूजिक तेज रफ्तार एसी से ध्यान ही ना हटेला आपके। इतनी छोट गली में आप इतना बड़ा गाड़ी लेके आवेले ही काहे? ऊपर से इतना फास्ट चलावत रहेले आप, काहे कि आपकी देर होत रहेला? काहे कि आपके 1 घंटा की कीमत 40 लाख रुपया है? हमारे 1 घंटा की कीमत बताइए आपके। हम दूध लेवे जात रहनी, हमार माँ घर में चाय खातिर पानी चढ़वले बानी, वो चाय तो बने से रहल, अंडा भुर्जी बनावले रहनी नाश्ता खातिर, वो ठंडी हो जाएगी दोबारा बनावे के पड़ी। और तो और अगर हमारे घर पहुंचे में देर हो गई तो हमारे माँ के टेंशन हो जाई, और सो उल्टा ख्याल आई उनके मन में, उनका बीपी हाई हो जाई, और हमारे माँ के 5 पॉइंट भी बीपी अगर ऊपर गए ना तो आपके 5 करोड़ भी होकर मुआवजा ना भर पाई है। और ये दुपट्टा हमारे माँ हमके बर्थडे पे दे ले रहनी, ऐसे हम कीचड़ पोछ रहल बानी, ये तो हमारे लिए अनमोल है जो आप बर्बाद कर देलस। ऊपर से कॉलेज खातिर देर हो जाई हमके, क्लास से पहले 2-4 मिनट बैठ जाए ले स्टूडेंट के साथ, हंस ले ले मुस्कुरा ले ले, वो भी आज ना हो पाई। अब हम क्यों उनके चेहरा पे मायूसी देखे के पड़ी, उनके मुस्कुराहट की कीमत ना आपके कैलकुलेटर भी कैलकुलेट ना कर पाई। आपके वक्त की कीमत पैसा होगी, लेकिन हमारे वक्त की कीमत लोगन के सुकून होवेला, लोगन के खुशी होवेले, जो आप कबो ना समझिए। अगर हमारे मुंह पे आपके गाड़ी से कीचड़ ना भी उछलत हो, हम क्या आपके ऑटोग्राफ की कौन जरूरत ना रहल, काहे कि हम आपके फैन ना बानी, हम क्या आपके म्यूजिक के कदर ही नहीं खे। लेकिन हाँ, अगर गलती हमसे भइल हो तो हम माफी जरूर मांगती, लेकिन आप ना मांगिए, काहे कि आपकी तमीज बाड़े ही ना। अब 40 लाख रुपया जरूर दिखले बाड़ा, लेकिन रिश्ता ना दिखले कबो। तू टीचर बाड़ू ना, यही से हम कितना लेक्चर दे रहे बा। अरे थैंक गॉड हमारे 1 घंटा की कीमत 40 लाख रुपया बा, केहू के दिल के चैन, माँ के चाय या 2 रुपया की भुर्जी ना। तू हमार 40 लाख रुपया की चाय भुर्जी और माँ के बीपी से कम्पेयर कर रहा बाड़ू? अब प्लीज यहाँ से चल जा, यही से पहले की हम पुलिस कम्प्लेन करी। आसमान में उड़ बहुत सीख लेला आप, जमीन के करीब रहे सीखा। जोने दिन गिरबा ना, उ दिन जमीन ही पास में नजर आई। हो गई इला हमार हैंडकरचीफ, अपन मुंह साफ कर लिया तो हमार फैन न बाड़ू ना, तो तहरा के एकर कीमत के अंदाजा भी ना हो खेला। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। अंडा भुर्जी जेकरा के तू हमरा 40 लाख से कंपेयर कर रहल बाड़ू, वैसे अच्छा लग रहल बाड़ू।
तो देख लो ओकरा के। तू भी देख लो ओकरा के। हाँ यार, दू कोड़ी के कॉलेज टीचर। तू केकर बात कर रहल बड़ा? तू केकर बात कर रहल बड़ा? ज्यादा यार, इतना बड़ लेक्चर दे दिली हमरा के। हमरा से बोले कि केहू के टाइम की कीमत पैसा से ना फीलिंग से हो खेला। ऐसा लगत रहे जैसे कोनो सीरियल के भाषण चल रहा लोगे। यार वो हमार 40 लाख रुपया के भुर्जी से कंपेयर करत रहे। अनबिलीवेबल यार। अभी 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 जोन गाड़ी पे हम पत्थर मार ली, का अभी के गाड़ी रहल? हाँ वही के रहल। बताओ वो का बोलत रहल? बोलत रहल ओकर बकत हमनी के बकत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा लोगन के ना जेल में बंद कर देवे के चाहिए, पता ना काहे। हम घर के बात कर रहल बानी, तू ओकरा के लॉकअप में बंद करके बात कर रहल बाड़ू। तू ना सुरेश के साथे रह रहा के वही तरह बोरिंग हो चुकल बाड़ू। तोहरा के ना अभी जैसन लोगन से दूर रह के चाहिए, केहू के भी फैन बन जालो तोहरे जैसन लोग ऐसा लोग के सर पे चढ़ावेले। हमरे ऊपर कीचड़ उछाल के गई और सॉरी बोले के बजाय हमार इंसल्ट करके गई हो। तू मिले के बात कर रहल बाड़ू ना, हम जिंदगी भर ओकर सकल ना देखे चाहब। भगवान नगर ऐसा लोग कबो हमार रास्ता काटे और ना तो हम उनका रास्ता काटी। यार एक ऊ लड़की रहे उस दिन मॉल में और एक ई लड़की मोहल्ला में, आज इस ठोप के ऐसा लड़की हमार रास्ता ना काटे। अभी के ड्रेसिंग स्टाइल भी ना एकदम माने के पड़े, कॉम्बिनेशन गजब बा, ब्लू ब्लैक। ए दी का करल बाड़ू ये गंदा? इका कहलु तू? अभी के रुमाल के तू फेंक देलु? तू जाने लू अभी के फैन एकरा खातिर का कर सकेले? दे कैन डाई फॉर दिस। तू एकरा के धो के फ्रेम करा के दीवार पे टांग लियो। वाओ दी, इम्पोर्टेंट आइडिया। तू ना गुस्से में भी कितना अच्छा आइडिया देवेलु ना। ये ड्राइंग रूम में अच्छा लगे कि हमरे रूम में? अपना रूम में लगाई ना। हम ना अभी एकरा के धो देता नहीं, फिर फ्रेम करके लगा दे। कहीं जा रहा बाड़ू रज्जो? भाभी यू आकाश के फोन आयल रहे, वो हमके मिले खातिर बुलवैले बा। उनकर माई यहाँ जोन कुछ तमाशा केले बाड़ी, ओकर खातिर वो माफी मांगे चाहता। और तू माफ कर देबू? माफ ना करब, लेकिन जोन हमरा साथे कैले बना ओकर हिसाब जरूर चुकावे के चाहता नहीं। ओकर वजह से हमार भैया हमसे बात नहीं खन करत, हमार माँ इतना परेशान भी। और देखा रज्जो, तू अगर उसे मिले जा ही रहल बाड़ू तो सोच समझ के जा। हमरे ख्याल से इस समय तू दोनों के बातें ना भइल। तू सुन ले एक बार वो तोहरा से का कहे चाहत बा, फिर जिंदगी तोहार भी और फैसला भी तोहार, सोच समझ के करिया। जौन भी फैसला करबू हम तोहरे साथ बानी। थैंक्स भाभी, हम आवतनी। काश रचना की ओकर प्यार मिल जाए, हमके ना मिल सकल, इसे ओकर तकलीफ समझ सकीले। इतनी उदास का है बाड़ू? कुछ तो ना कुछ ना माँ, घर में इतनी सब खुशी आयल रहे और एकदम से सब लोग कितना उदास हो गयलन। हम भी ना वो माधवी और सुरेश से तोरे और सुरेश की शादी के बारे में बात करा बुलाई गई नहीं, मतलब डेट निकाले के रहल ना। जैसे ही रचना के सब परेशानी दूर हो जाए ना, हम भी पट से माधवी जी से तोहरे और सुरेश के शादी के बारे में बात करब। तब तक तू उदास मत होगा। माँ के अकेले सच बता भी ना सके नी, सुरेश के वादा दिले रहनी की हम दोनों साथ में बताई। तो के ज्यादा दिन थोड़े ना रुकाई भी घर में। अरे अपने हॉल के ऐसन सजाई की, अरे माँ इतना सब कीचड़ लगा के तू कहाँ से आ गई लू? देख हम फटाफट ना तोहरे खातिर चाय बना देता नहीं, तो हर काली वाली चाय और साथ में अदरक भी डाल दे जो तोके पसंद बा। तब तक तू जाके माँ पहले हाँ अदरक डाले बा, हमके पता बा तोके छोटी छोटी अदरक कद्दूकस करके पसंद बा, हम ले आवत आनी। कहाँ जा रहल बाड़ू मैडम? बाइक बा हमरे पास, कहीं तो छोड़ दी। लागत बा कहूँ जाए कि नहीं, खे केहू के इंतजार कर रहल बाड़ी। अरे अरे मैडम सुनी, अरे हम सुनी ना, अरे हम बोर हो रहल बाड़ी, तनी टाइम पास तो कर ली। हमनी चारों फ्री बाड़ी मैडम आप खातिर। फालतू बकवास मत कर, समझ ला। अरे अरे धीरे 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 ना, तो बच्चा पर असर पड़ी ना। अच्छा एगो काम करा, अपन होके वाला बच्चा के पापा से मिलावा, काहे
सही कहानी ना। अरे 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 मैडम आ जा रहा अलवानी। अरे मैडम आ जा रहा अलवानी। अरे मैडम अरे आ गया मैडम। सागे निकल मैडम। मॉम एको बात समझ में नहीं क्या आवत। पहले आप रचना के हमके डेट पे ले जाके कहली राइट, फिर हमके वहां जाए से मना कर देली। ई चल का रहल बा आपके दिमाग में? गणित गणित चल रहल बिया हमरे दिमाग में। उनके घर जाके हमनी आपन खेल तक खेल लेनी, उनका तमाशा भी बना देनी और दुनिया के सामने इहो भी कर देनी कि भाई हम तो रिश्ता लेके आयल रहनी। पर असली मजा तो तब आई जब वो घर से बाहर निकली है और दुनिया वालन के नजर उनका कपड़ा फाड़ी। अरे भाई सामान लावा ना यार। हाँ हाँ यहाँ रखा। हाँ वो चावल के गोनी यहाँ रखा और ये दाल वाला ओकरा पास रखा। हा? अरे दाल वाली में ना यहाँ रखल बा। ठीक बा। आपके कितना बार हम समझा चुकल बानी लेकिन आप समझे कि कोशिश का ना करे ली। और पिछला बार यहाँ पे लाइन खींच के गई रही ओकरा बावजूद आप अपन दुकान 20 सड़क पे लगा रहल बानी। अरे आए जाए वालों की परेशानी होखेला। कमाल बानी आप। और आप भाई साहब आपसे बोल रहा बानी आपन कचरा नाली में काहे फेंकेली? अभी सोची कि अगर नाली जाम हो गई तो बारिश के महीना में सब पानी रास्ता पे आ जाए और वह पानी आपके घर में चल जाए। आप ही के घर में गंदगी होगी, थूकेला भी यहीं पे, पानी भी यहीं पे फेंकेला, कचरा भी यहीं पे फेंकेला। आप लोगों के सफाई पसंद ना बका? कमाल के लोग बानी आप सब। हमनी के घर की गंदगी छोड़ा, पहले अपन घर के गंदगी साफ करा। का मतलब आपके? मतलब सीधा सीधा कहाँ रखे बोला? तहार बहिन यहाँ का गुल खिलाई लेबा, यहाँ सब जाने ले। शरीफन के मोहल्ला है और यहाँ सब ना चली। तोहरा से हम इज्जत से कह रहा बानी कि मोहल्ला छोड़ के चल जा, ना तो बेइज्जत करके निकाला जाए तोहरा के। अच्छा अरे हमनी तो समझत रहनी क्यों लड़की के शादी टूट गई। अरे बात के लेके हमनी कितना दुखी रहनी। अरे पूरा मोहल्ला दुखी रहल। सही बात है। यहाँ तक कहानी ही कुछ और निकला। कौन सा कहानी? हम बता रहल बनी आप लोगन के, चुप करिए आप लोग। अरे ये फिर से शुरू हो गई। सुरेश भाई हम लोग कहे चुप रही? तू ही नियम बना ले रहा ना कि चौल में कुछ गलत ना हो की। याद बाड़ी उलई की जन तेरा नंबर में भाड़ा पर रहत रही, कुछ उल्टा सीधा काम करत रही ना, तब सेक्रेटरी के तू नोटिस भेज के ओके यहाँ से निकलवा दे ले रहा। अगर वो गलत काम रहे ते बिना शादी के प्रेग्नेंट भइल गलत काम ना बका। का बकवास कर रहा बड़ा तू? हमरे बहन के शादी हो चुकल बा। तो दो दिन पहले का ओकर दूसरा शादी करवावत रहला। अरे ते और भी बड़ा गुनाह करत आड़ा तू। अभी बतावा कि तुहार कंप्लेन हम पुलिस स्टेशन में करी का? तू हमार दुकान ई कह के बंद करवैला कि हम पुरान तेल यूज करीला, हमरे दुकान के माल खैले से लोगन के पेट खराब हो जाला। तू और तुहार घर वाला ऐसा काम कैलन ना कि पूरा मोहल्ला खराब हो रहा बा। दूसरन के धंधा बंद करवावे चलल बाड़े, पहले आपन बहन के धंधा बंद करवावा। ए विशाल ऊपर का करत आड़ा? नीचे आवा नीचे, जल्दी आवा, झमेला हो गइल बा। जोर कहता नहीं सही कहता नहीं। अरे छोड़ हमरा के छोड़। अरे रुका भाई रुका रुका रुका। अरे ई का कर रहल बानी आप? ई देखी कैसे हमर बहन के बारे में आप सुना बक रहल बा। तमीज से बात करी आप? सही तबा पहले आप लड़की के जैसे निकलवाओला, कहे की अगर काम पसंद ना रहे। देखी हम लड़की के बारे में बात कर चुके रहनी, आप खुद लड़की से बात कर ले रही। देखी मिस्टर सुरेश नियम सबके खातिर बराबर होके के चाहिए। आपके बहन जॉन भी कैलस आप भी जाने ली, हमनियों के जानी ले। आपके बहन यहाँ ना रह सकेले ओकरा के यहाँ से जाए के होकी, चाहे तो आप भी जा सके उनके साथ। और ये फैसला हमारा ना सोसाइटी के कमेटी का फैसला। चला संजय चला। अरे एक मिनट, आप क्यों हो विला एकरा के मोहल्ला से बाहर निकलवाए वाला? सेक्रेटरी बानी यहाँ के। अच्छा आज आपकी याद आल के आप सेक्रेटरी बानी? आज आपके सब काम याद आ रहल बा? जब ये गली के गड्ढन के अक्सर एक्सीडेंट होत रहन, बच्चन की चोट लागत रहल, तब कहाँ रहल आप? सुरेश गल रहा बीएमसी के ऑफिस कम्प्लेन लिखे, वो एक गड्ढा भरवलस। पिछली बारिश में जब सबके घर में पानी घुस गए रहल, तब ओकर भी कम्प्लेन सुरेश से करवलस। म्युनिसिपालिटी से खुद लोगन के बोला कि वो घर के साफ सफाई करवलस। और स्ट्रीट लैम्प सर बच्चा सब एकरे नीचे पड़े ले खेले ले, जब ही खराब हो गए रहल तब वो ये गए रहल बीएमसी के ऑफिस कम्प्लेन लेके। चार बार गए तब भी ठीक ना भयल, तब खुदे ठीक करवेलस। एकरा के शौक लागल रहल ठीक करे में, तब कहाँ रहल आप? आप लोग तनखा देके एकरा की या इस सोसाइटी के चेयरमैन की सेक्रेटरी बाड़ी नहीं खेना? ये रात दिन यही काम में उलझन रहेला ताकि आप लोगन के जिंदगी आराम से चलत रहे। और आज जब ये मुसीबत में बा तो आप लोग एकर साथ देवे की बजाय एकरा के यहाँ से निकल जाए के कह रहल बानी? वो लोगन के बात पे भरोसा कर रहल बानी जेकरे वजह से आज एकरे बहन के जिंदगी खराब हो गई? शरम आवे के चाहिए आप सबके। कहले मुसीबत में पहले रिश्तेदार से पहले पड़ोसी काम आवेले, लेकिन यहाँ तो पड़ोसी ही इज्जत उछाले में लगल बाड़े। जोन फैसला होके रहे वो हो चुकल बा, इन तरह यहाँ से जाए के योकी। और अगर ना गए तो जबरदस्ती निकाल दे। जबरदस्ती कैसे निकलवाई बा? वो घर हमारा,
भाड़ा के ना हमारा अपन के वो एक आंख उठा के देखावे, एक हाथ लगा के देखावे, एक कदम अंदर रख के दिखावे। रचना हुआ रहे ले और उही रही। चला सुरेश। का जरूरत है तोहरा? पूरा मोहल्ला के सामने हमारे तरफदारी करे के? हम बात करते रही ना तो फिर उस सेक्रेटरी से बिना वजह तू झगड़ा काहे मोल ले लू? तू का अपने आपके झांसी के रानी समझे लू? सुरेश, हम तो सिर्फ का तोहरा का लगल कि हमारे परिवार पे मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ल बा और हम ओके हैंडल न कर पाई, हम तो के बेचारा लगत रही क्या? और यही लिए तू वहाँ पे अलू और जो तोहर मन में आई वो अनाप शनाप बक गलू है ना? तो क्या सिर्फ तोहर मदद करे की कोशिश करते रहे? तू ऐसे काहे बोल रहा है? ये तो मुद्दा है की वो हमारे मदद करते रहे, लेकिन वो ये बात नहीं के समझत कि हमार मदद करे के चक्कर में वो अपना खातिर कितना कितना बड़ा मुसीबत खड़ा कर लेलस। वहाँ बिना कुछ सोचे समझ ले पूरा सोसाइटी के चैलेंज कर देलस कि देखा तो नहीं रज्जो के हमारे घर से क्या निकाला था। अब आप ही बताइए आंटी जी, अगर वो सेक्रेटरी अगर पीछे पड़ गया था, ऑलरेडी रज्जो कितना कुछ झेल चुकल भी है, झेल रहा भी आंटी जी। अब हमारे वजह से आप लोगों के कुछ झेले के पड़े ये हम ना देख सके। का तू एक बार भी सोच लू कि आपन ही मोहल्ला में रह के आपन ही सोसाइटी के खिलाफ आवाज ऊंचा करबू तो का होगी? का जरूरत रहे? जरूरत रहल सुरेश, काहे कि तोहार प्रॉब्लम हमार भी प्रॉब्लम सा। आंटी जी आप प्लीज एकरा को समझाई ना। ना बेटा, समझावे की जरूरत हमके ओकरा के ना तोहरा के बा। का कहत रहला तू कि यहाँ औरत सब अकेले रहनी? ओके ये सब हम इतने साल से अकेले रहत रहनी और आपन मुश्किल सुलझावत रहनी, तू अयला हमनी के जीवन में, तू हमनी के सब मुश्किल सुलझावे शुरू कैला, हमनी तोहरा के मना ना कैनी, हमनी तोहरा के अपन घर के एको सदस्य बना लेनी। आज तोहरा पे मुसीबत पड़ रहल बा, प्रज्ञा अगर मदद कर देलस त तू इतना गुस्सा काहे हो रहल बाड़ा? तोहर मुश्किल देख के का हमनी मुंह फेर लेब? ओ तब तू पड़ोसी होखता ना तब भी तोहर मदद करत, और आज तू पड़ोसी ना ई घर के होखे वाला दामाद बाड़ा, ओकर होखे वाला पति बाड़ा। हमनी मदद करब तोरा के अच्छा लगे चाहे ना लगे। आंटी अरे रचना का भेल बेटा, काहे रोत रो? हुआ कर हम के मिले खातिर बोलवाई ले रहे और हुआ ना आयल, और जब हम ओकर वेट करत रहनी ना तो मोहल्ला के कुछ लड़का हमरा साथे बंद कर दे। हम जानी ले रज्जो तो हर गलती ना हा, तू आकाश पे भरोसा कर लू, ओकर प्यार में पड़ के ओकरा से शादी कर ले लू, लेकिन हम का करी? कहाँ जाए? किकरा से बात करी? हाँ हाँ बहन जी, अगर आपके पंडित जी मुहूर्त जल्दी निकाले चाहत बानी तो हमके कौन प्रॉब्लम नहीं है, हमरे यहाँ तो तैयारी अभी से शुरू हो गई बा। हाँ 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 बिल्कुल तैयारी करी बाय। नेकी और पूछ इनके तो शादी की खुदे जल्दी बा। प्रेम कितना गंदगी बाई जा, तू ठीक से काम कहे ना करेला? मम्मी जी के गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है तो हर पगार काट लेना तो फिर रुवत रही है। ओ मम्मी जी आपके गंदगी नहीं के पसंद ना, बस यही खातिर डांटत रहनी। हम ठीक कहनी ना? अच्छा मम्मी जी वो उनके शादी के जल्दी बा और आप हाँ कह देनी, रचना के भाई और रचना एचआर डीएनए रिपोर्ट लेके पहुँच गए ले, दादी के पास पहुँच गए ले, तो फिर कहो कि दादी तो बिल्कुल मना कर दिया शादी खातिर। खुद मिडिल क्लास घर से आई बाड़ू और बेवकूफ जैसन सवाल कर रही बाड़ी। मिडिल क्लास लोगन के पास सिर्फ एक ही कीमती चीज हो खेले, वो है उनकर इज्जत। रचना के प्रेगनेंसी के वजह से वैसे ही होकर बहुत तमाशा हो चुकल बा, डीएनए टेस्ट के तो कबो सोच भी ना सकेले। यही खातिर ऐसा मामला में लड़कियन के माँ बाप चुप रहे पसंद करेले, कोई सामने ना आवेला, बात कितना भी करला लड़का लड़की के बराबरी के, पर आज भी लड़का लड़की कोनो गलती करेले ना तो सब ठीक रहा लड़की के ही सिर पर फूटेला, सब आँख ओके ही घूर घूर के देखे नी। यही लिए तू इस सोच भी मत कि वो डीएनए टेस्ट कराई है,
यस आई गॉट इट। देख लो आंटी कल रंदी ना हम बुलबुल के बिना भी मैनेज कर सकेला। वाकई तोहरा के लगता कि तू बहुत बड़ा काम कैला। एक छोट से कागज के टुकड़ा ढूंढ के वो 6 घंटा में। चाहता तो तू हमरा से भी पूछ सकत रहला सब अपॉइंटमेंट, लेकिन ना तोहरा के तो सिर्फ ई प्रूफ करे के रहल कि तू बुलबुल के बिना भी मैनेज कर सकेला। एही लिए तू 6 घंटा से ई करत रहेला। कितना भी झूठ बोला अपने आप से झूठ ना बोल सकब। तोहरा जौन फीलिंग्स बा बुलबुल खातिर लाख चाह के भी ओकरा के ना छिपा पाई बा। व्हाट फीलिंग्स आंटी? हमरा दिल में ओकरा खातिर फीलिंग्स नहीं के। तोहार जुबान तोहार आंख के साथ ना दे पा रहल बानी। तू ओ लड़की के काम से एक खातिर निकाले बाड़ा कि तू डेराला, तू ओकरा के पसंद करे लागल बानी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 साल से तोहरे साथ काम कर रहल बानी पूरब, हम कबो ना देखनी कौनो लड़की के साथ ए तरह से बिहेव करत। जब से ऊ गई बिया ओकरे बारे में ज्यादा सोचे लागल बाड़ा। कहे कि तू जानेला कि तू ओकरे साथ ही जौन कैला ठीक ना कैला। ऐसा ना बा आंटी। अगर ऐसा है तोहरे मन में ओकरे लिए कौनो फीलिंग्स ना बा तो ओके वापस बुलाला काम पे। आई विल एडमिट दैट हमार सोच गलत रहल एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। दी तोके रचना के ना वो आकाश से मिले ही ना देवे के चाहत रहे। बहुत खराब लड़का है और उकरा से भी बुरा हमार बॉस। ऑफिस से ही फोन आ रहा है। हेलो पूरा बोल लेता नहीं। तू काहे फोन कइला? अब हम का चुरा लेनी? लिसन एक्चुअली हमके रियलाइज हो गेल कि तोरा बारे में डिसीजन लेके जल्दबाजी कइनी और तोरा जॉब से आई नो हम तोरा समझे में गलती कइनी एंड इसे हम चाहता नहीं कि तू ऑफिस वापस जॉइन करला। हम जाने ले मिस्टर पूरब तू हमके ऑफिस वापस काहे बुला रहल बाड़? तोहर सब मीटिंग सब फाइल उथल पुथल हो गईल होके ना, दैट्स व्हाई यू कॉलिंग मी, एम आई राइट? कैसे नजीब बात करत हड़ो यार तू। एक तो हम तोरा के जॉब पे वापस बुलाओ नहीं, हमके थैंक्स कह के बजाय हमरा के उल्टा सुना रहल बाड़ू। सुनौले तो तू रहला हमके जोन कहे के रहे कह देनी। अब तू जॉब पर वापस आयल चाहता तो मोस्ट वेलकम, अगर ना आयल चाहता इट्स अप टू यू। लेकिन अजीब आदमी बा यार, सॉरी बोले के बजाय हम कितना सुना रहल बा। भाईल का दीव पूरब के फोन आयल रहल, वो ना कहलस कि हम ऑफिस फिर से ज्वाइन करी। बुलबुल तोहरा के जाए के चाहिए। लेकिन दी हमके ना चाहिए ओकर सैलरी, ना चाहिए ओकर जॉब। बुलबुल तोहके सुबह का समझवले रहनी, तू नौकरी या सैलरी खातिर ना जेबू। तू बेवजह जी तेहरा पे इल्जाम लगा रहल बा ओके क्लियर करे जेबू, ओके समझावे जेबू कि गलत तू नहीं के गलत वो है, बाज वो तोहरा के गलत समझ रहल बा। पर दी बुलबुल तू कहले रहलो ना यू विल प्रूव हिम रॉन्ग। I will prove him wrong, Dee. आंटी जी जोन काम बोल ले रहनी वो कर लाना। हाँ हम जाते रहने की यादल की स्कूटर के प्लग में कचरा आता हुए साफ करे के कोशिश करत रहनी और मैकेनिक के बोलोले बानी तो आ ही रहल हो कि वही के वेट कर रहल बानी। जहाँ तक हमके याद बाप जब लास्ट टाइम स्कूटर के प्लग साफ कर ले रहला तो स्कूटर के प्लग ए तरफ रहल। और किराना वाला के बिल जोन देवे के रहल। ओकरा से बात हो गेल बा, वो अपन लड़का के भेज दी पैसा लेवे खातिर। इलेक्ट्रिसिटी बिल तू ऑनलाइन भर दे, ड्राई क्लीनर वाला के फोन कर दे ले बानी, सब्जी वाला के नंबर ले ले बानी, न्यूज़पेपर वाला के बिल क्लियर कर देनी और केबल वाला अगला महीना में आई। हमके सब याद बा, प्लीज जाना। बाहर न जाए के सब बहाना सब तरीका ढूंढ लेला। कहे कि तोरा के डर लागेला कि कहीं तू बाहर जाई और रज्जू के बारे में क्यों कुछ कह देलस तो तू का करबा। हाँ हम डराइले, हम डरपोक बानी, हमार जगह के और हो तो उहो डरा। हम जानी लेकिन रज्जू झूठ नहीं के बोलत, लेकिन लोगन के कैसे समझाई कि केकर मुंह बंद करी। हम गुस्सा में तो कह देनी कि हाँ हम ओकर डीएनए टेस्ट करवाई, लेकिन हम ही कैसे कर सकब? हम तो कर बड़ भाई बनी ना, अगर हम ही करब तो सबसे पहले हम ही ओकर सच्चाई पे शक करत आनी। ओकर डीएनए टेस्ट करा ला,
ऐसा छोट बात करत के उलोके तनिक भी शर्म ना आई। यही खातिर हम सोच लेनी कि हम रज्जो और माँ के लेके कहीं और चल जाए, जहाँ हमनी के केहू न जाने ला। हम कोनो नौकरी खोज ले हब, रज्जो के नाम बदल दे हब, उहो कोनो नौकरी कर ली, पढ़ा लिखल भी आ, अपन पैर पे खड़ा रह सकेले, तो सब ठीक हो जाए। हम फिर से वैसे ही जिए लगा बाउर। जब सिरे ऊंचा ना होके तो पाँव खड़ा रहले के का फायदा। अगर तू तो वाकई रज्जो के सिर ऊंचा देखे चाहत बाड़ा तो ओकरे के रास्ता बा, वो डीएनए टेस्ट। इधर देखा सुरेश, प्लीज हमरे ओर देखा। हम जानी ले कितना मुश्किल होखेला एक लड़की खातिर अपने बच्चा के बाप के सबूत दे, कितना इंसल्टिंग हुएला। लेकिन हमनी के ये करे की पड़ी सुरेश, जेकर गलती बा उसर उठा के जिए और तू लोगन से दुनिया से नजर छिपा के फिरा, ये कहाँ के इंसाफ हो? तू ऐसन कैसे होके दे सकेला? सुरेश जौन लोग रज्जो पे उंगली उठेले बाड़े ना, तोरा के उनके मुंह पे तमाचा मार के होकी, और वो तमाचा ओके मुंह पे तब पड़ी जब तू रज्जो के डीएनए टेस्ट उनके सामने रखबा। और हम ए लिए टेस्ट करावे के ना करल बानी की रज्जो की शादी आकाश से हो जाए। वो आकाश से तो रज्जो की शादी बिल्कुल ना होके के चाहिए, बल्कि ओके जवाब मिले के चाहिए। हम भी जानी ले कि रज्जो पढ़ल लिखल बिया सुरेश, ओके कहीं भी नौकरी मिल जाए। लेकिन सुरेश तू का रज्जो के सिर्फ एक खातिर पढ़वला लिखवला कि वो नौकरी कर सके, ए लिए ना कि समाज में ओकर इज्जत होके और अपने हक खातिर लड़ सके, अपन सर ऊंचा करके जी सके। तो हर छोट बहन ना छोट बहन के प्यार दे सुरेश, लेकिन समाज के सामने लोगन के सामने ओके कबो छोट मत बने दिया, कबो मत बने दिया सुरेश।